दीपावली के पर्व का आगाज धनतेरस से ही माना जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी व धनवंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस पर पांच देवताओं गणेश जी, माँ लक्ष्मी, ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था, जो समुद्र मंथन के दौरान अपने साथ अमृत का कलश और आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए थे और इसी कारण से धनवंतरी को औषधि का जनक भी कहा जाता है। धनतेरस पर सामान खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस का त्यौहार धन के साथ सेहत और समृद्धि भी देता है। कहा जाता है कि धनतेरस पर किए गए निवेश का फल जरूर मिलता है। धनतेरस पर खरीदा गया सामान अच्छा होता है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से दरिद्रता दूर होती है व माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसी अवसर पर जनपद हमीरपुर में भी दुकानों में खरीदारों की लंबी लंबी कतारें दिखी। महंगाई के वजह से कुछ लोगों के चेहरे में निराशा जरूर दिखाई दी। इस अवसर पर थाना बिबार में भी गाड़ियों की नीलामी की गई, जिसमें 3 2-पहिया वाहन व 1 4-पहिया वाहन की नीलामी हुई। सभी 2-पहिया वाहनों की इमामी नामक व्यक्ति ने क्रमश 2500, 6000, 12000 रुपए की बोली लगाकर अपने नाम किया। वही 4-पहिया वाहन को आजाद तिवारी ने सबसे ज्यादा 23000 रुपए की बोली लगाकर अपने नाम किया। तहसीलदार मोदाबा थाना अध्यक्ष बिवार के निगरानी में नीलामी का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हमीरपुर से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। में गाड़ियों की नीलामी हुई है, उसमें कौन सी गाड़ियों का किस हिसाब से सरकारी राजस्व मिला है? जी, 3 गाड़ियां जो मोटरसाइकिल हैं उनकी नीलामी हुई है, 1 टवेरा गाड़ी, 4 पहिया गाड़ी की नीलामी हुई है। तो 3 गाड़ियों में 1 गाड़ी में अधिकतम मूल्य 2500 रुपये और दूसरी गाड़ी में प्लेटिना है बजाज की, उसका अधिकतम 6000 बोली गई है। और तीसरी गाड़ी जो है हीरो होंडा की डिलक्स, सीडी डिलक्स है, उसका अधिकतम 12000 रुपये। सर, एक 4-व्हीलर गाड़ी भी नीलामी हुई है, उसकी क्या कीमत मिली? 4-व्हीलर की अधिकतम कीमत 23000 रुपये बोली हुई है। मैं दीपावली और भैया दूज की और गोवर्धन पूजा की अपने जनपद के सभी सम्मानी आदरणीय निवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ कि दीपावली ये तीनों त्यौहार उनके लिए सुख समृद्ध यश वैभव लेकर आए। और जो हमारे बच्चे पटाखों के लिए है तो ये बहुत पुरानी परंपरा, लेकिन अब जो पटाखे जो बन रहे हैं वो बहुत दूषित हैं। पहले बनते थे छोटे छोटे, जो गांव में कारीगर बनाते थे उससे कोई नुकसान नहीं होता था कभी, लेकिन अब जो पटाखे जिस तरह के केमिकल से बन रहे हैं उससे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं और दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। तो मेरा इस मौके पर सभी जनपदवासियों से प्रार्थना है कि अपने बच्चों से पटाखे या तो छोटे छोटे अपनी देख रेख में चलाएँ, त्यौहार भी अच्छा हो जाए, बच्चों को खुशियाँ भी मिले और कोई घटना ना हो। मैं नीता पांडे फिरोजाबाद से सभी नगर वासियों को धनतेरस दीपावली की शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं भैया दूज की, और ये ही लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जितने भी लोग हैं चाइना का आइटम ना लेकर दिए हैं और जो गरीब लोगों ने बनाए हैं उनको सहायता हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दिए और झालर जो है अपने देश की लेकर बना जलाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पटाखे भी ना फोड़कर, जो प्रदूषण फैलता है संग में बहुत दुर्घटनाएं भी होती हैं, इसलिए पटाखे ना फोड़कर जितना हो सके उतना मिठाइयां और एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के घर आना जाना, एक दूसरे से अच्छी तरह मिलना, बस यही सबसे बड़ा काम होना चाहिए दिवाली के दिन। शहरवासियों को और ग्रामवासियों को सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और स्वच्छता के और सभी को ध्यान रखना चाहिए और मैं इनाम सिंह प्रजापति व्यापार मंडल से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं दीपावली पे सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे बच्चे हैं जो पटाखे चलाते हैं वो ना चलाएं, और अगर चलाएं भी तो अपने बड़ों के साथ ही, बड़ों का सहयोग लेके वो पटाखे चलाएं। और एक निवेदन और करना चाहता हूं मैं कि जो है इस दीपावली पर सारे लोग अपने अपने घरों में मिट्टी के ही दिए जलाएं और चाइना का बहिष्कार करें।
मैं संजीव तोमर प्रिंसिपल एसएस हायर सेकेंडरी स्कूल कुंडला से एसकेएचएनए से माध्यम से कहना चाहूँगा कि दीपावली धनतेरस भैया दूज की सभी देशवासियों को नगर के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच दिखाने वाला एक ही चैनल एसकेएच चैनल, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सच्चाई दिखाई और सभी को सच का सामना भी कराते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सतीश चंद्र प्रजापति और राजा भैया जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ जिला फिरोजाबाद का सभी नगरवासियों एवं देशवासियों को दीपावली एवं भैया दोष और गोवर्धन पूजा की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि सभी के जीवन में ये दीपावली खुशियों का त्यौहार लेके आए और सभी के घर परिवार में धन धान्य से भर जाए। माँ लक्ष्मी जी उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें और इस दीपावली पर मैं सभी छोटे छोटे बच्चों को आग्रह करना चाहता हूँ कि वे बड़े बड़े पटाखे ना चलाएँ और छोटे छोटे फूल झड़ियाँ एवं अनार और गुलाल गुलाब जो होते हैं उनको चलाएं एवं स्वदेशी अपनाएं और देश बचाएं, मिट्टी के दीपक ही जलाएं जिससे कि पर्यावरण हमारा बचा रहे और ज़्यादा प्रदूषण ना फैले और विदेशी आइटमों को उनका बहिष्कार करें सभी बच्चे और मिट्टी के दीपक जलाकर ही अपने सभी आस पड़ोसियों से निवेदन करता हूँ कि वो मिट्टी के दीपक जलाकर अपने स्वदेशी होने का एक परिचय दें और इस देश को आगे बढ़ाएं। महेश प्रजापति महेश पाल माजा माजा एंड कंपनी ध्रुवा नगर से दीपावली गोवर्धन पूजा और भाई दौज की सभी को नगरवासियों को जनपद वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और सभी भाई बहनों से ये अपील करता हूँ कि दिए मिट्टी के ही जलाएं और छोटे छोटे बच्चों से पटाखे न चलवाएं और चलाएं तो बड़ों का साथ दें।
afternoon, all of you. May in this Diwali you be blessed with good happiness, wealth, prosperity and happiness. Wish you very happy Diwali. आप सभी जनपद वासियों को मेरा दिवाली की ओर से शुभकामनाएं और मैं चाहती हूँ कि ये फटाके हैं वैसे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं बट बच्चों के शौक के लिए चलाएंगे तो हैं ही बच्चे उनके साथ बड़ों का होना बहुत अनिवार्य है और बच्चों को अकेला ना छोड़ें और पर्यावरण को स्वस्थ बनाएं। मैं डॉक्टर श्रीकांत शर्मा BMS आयुर्वेदाचार्य हूँ और मेरा यहाँ शिकोहाबाद में आयुर्वेदिक सेंटर है जैसे आयुश्री आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिटी सेंटर है और इसमें हम पंचकर्म करते हैं जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छा है आज के टाइम के लिए और जितने भी हैं किडनी से रिलेटेड डिजीज हैं जिनको रीनल फेलियर है उनके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट्स हैं और जिनको स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है अपने पास तो जो भी लोग समस्याओं से पीड़ित हैं वो आएँ और एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पाएँ जिसमें कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है और